नहीं है। ऊपर तो मौसी ने नहीं कहा भाई, कल्ला बैठे सरपंच आज मौका है, सरपंच बड़ा निशवा है हमने ना मौसी लागे मौसी यहां मौसी ने जिया लेकर दूसरी गाल निकल ली मोटरसाइकिल पे। मौसी ने इशारा किया और कातिलों ने हमला कर दिया। और फिर थुआ गई है, वो थुआ था फिर वो पकड़िया नहीं था हमने जैसा, वो तो बेचारा बेवर्षा है तो इसलिए घर में छोड़ा था कि उसको पकड़ा के पूरी कार्रवाई को इधर उधर घुमाया जाए। अच्छा जी, पूरा मामला ऊपर कितने बजे ये गोली मारी? ये जी 8:15 के बीच की बात है जी, सवेरे से 8:30 तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जिन्होंने गोली मारी उनको कुछ आता पता? कुछ नहीं जी, वे गोली मार के फरार है पूरी फैमिली। कितने बंदे हैं जो गोली मार रहे हैं? सिर्फ दो जी, ये चाचा का ही लड़का है फैमिली से। अच्छा, और जी एक लड़का है गांव से। अच्छा जी, हाँ गांव से वो भी। दूसरा टापर है मतलब थोड़ा। अच्छा, एक टापरे का है अलग टापर से? हाँ, क्या कोई पुरानी रंजिश? कोई पुरानी रंजिश नहीं है जी, सिर्फ लड़का था और सरपंच था जी, एक नंबर का काम कर रहा था गांव में। जिन्होंने मारा उनका कुछ पहला हुआ था? उनसे मारे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, झगड़ा किसी क्रिया का लेन देन हो? कोई लेन देन नहीं है, पहला कोई हाथ पाई कोई लड़ाई हुई हो? नहीं जी, ऐसे भी कुछ नहीं हुई। अच्छा जी, चुनाव के दौरान कुछ हुआ था? चुनाव के दौरान कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल सिंपल प्यार से निबटा था। गोली मारने का अपने दिमाग में पहली बात क्या हुआ भाई, क्यों मारी गई गोली, क्यों हत्या की? आप क्या सोच है क्यों हत्या करी गई है? वो तो उनसे पूछो ना, ये सवाल तो उनसे पूछो। अगर मान ले कोई झगड़ा भी होता है इंसान पहले थोड़ा घना जिसको मारना चाहता उससे भी तो कुछ संपर्क में बोलता होगा। आप कह रहे हैं 8 बजे हत्या करी गई है, पुलिस कितने बजे वहाँ पे पहुँची है? पुलिस तो पहुंची है जी 11:30 या 12 ही बज रहे के करीब थे। मतलब हत्या होने के 3 घंटे 3-4 घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंची है? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं करी पुलिस? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मुसलमान का परिवार तो तेरी लाग रहा है? किसके परिवार? जिन्हें मारा है, जिनकी मारा है? फरार है जी ना, वो जी भैया लावा उनका, उनका तो भैया लावा जी, मैं सारे फरार है जी। अच्छा जी, जिन्होंने जो हत्या करी है ये पहले भी कोई इन्होंने कोई वारदात करी है? ये तो पहले भी जी जेल जा चुके हैं, पहले गुंडे भर्ती के लोग है? हाँ ऐसे ही है जी, झगड़ा किसी से मारपीट किसी से कुछ करना ऐसा तो इनका चलता रहता था जी। गांव में क्या माहौल है? माहौल क्या था जी, ऐसी जवान मौत गई है जी, सरपंच गांव का राजा खत्म हुआ है जी, तो कैसा माहौल रहेगा? कोई माहौल नहीं है जी, बिल्कुल। शादी हो रही थी सरपंच? हाँ जी। कितने बच्चे? एक बेटा है, डेढ़ साल का जी, उसकी पत्नी का राज जी। अच्छा, उनके पास कोई है? हाँ जी, फैमिली है जी, रिश्तेदारी है जी। अच्छा, तो रोड जाम करने का फैसला मतलब क्यों लिया गया, क्या मतलब फैसला? ये है जी, हमें इंसाफ चाहिए, सुबह से गए हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहली बात, जिसने मर्डर किया है ना उसकी हमें लाश चाहिए बगल में, और पूरी फैमिली की गिरफ्तारी चाहिए, हमें कैद में चाहिए उम्र कैद। बस ये इंसाफ है, तुरंत उठ जाएंगे। कितनी गोलियां मारी गई है पता है? पांच गोलियां। कहां कहां मारी गई है? दो ऐसे भाई चले हैं दोनों साइड से, दो इधर मारे हैं बैग बांसते वक्त, और फिर उसको पकड़ के सामने से मुंडी में। गोली कहां पर मारी गई है? मतलब घर पे थे जा रहे थे? ये सरपंच है, और मैं बाहर में रहती हूँ, मेरे घर को लिया था ये लड़का, ऑफिस खोला था, ये खाना खा के मेरे घर के सामने आके बैठा था। सरपंच साहब आपके घर के सामने बैठे? हाँ। सरपंच जी ने जी जो करे गोली लगी, गोली लगने के बाद कुछ बताया हो, कुछ बोले हो, बात करी हो? नहीं बोले, मतलब गोली लगी गोली हमारी ना, ऐसे हाथ लग गया इधर उधर थोड़ा भाग गया। जिसने गोली मारी है वो जो कातिल है वो सरपंच साहब के क्या लगते हैं? सरपंच का भाई दूसरा है? दूसरा पकड़ का है, वो भी भाई ये लग गया तो है। अच्छा अच्छा, उसने भी लेके मरवाई है? मौसी ने नहीं कहा भाई, कल्ला बैठे सरपंच आज मौका है, सरपंच बड़ा निशवा है हमने ना लड़ाई ना बजाई। इस हत्या में एक लेडीज भी शामिल है? हाँ, फिर शामिल है। आप कह रही हो मौसी ने ऐसे इशारा किया? गोली मर दे लेकर बैठ गई लोदरिया गमा है लेकर मोटरसाइकिल पे। लेडीज का नाम भी लिखवाया पुलिस एफ आई आर में आपने? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कराया, आई बहुत ने जो सामने बताया भी, एक लेडीज ने भी गीता नाम है। गीता नाम? हाँ गीता नाम है। क्या उस कातिल की क्या लगती है वो लड़की? वो मौसी लागे मौसी यहाँ, मौसी ने इशारा किया, दूसरी गाल निकल ली मोटरसाइकिल पे, मौसी ने इशारा किया और कातिलों ने हमला कर दिया। और फिर थुआ गई है, वो थुआ था फिर वो पकड़िया नहीं था हमने जैसा, वो तो बेचारा बेवर्षा है, वो तो खेत में पकड़ा था। उनको नौकर जैसा मिला है बस काम करने के लिए, मतलब पुलिस ने खाना पूर्ति करी है। हाँ, उन्हें झूठी कहते नहीं। और 8 घंटे हो गए,
अभी तक हमारे पास हमारे कोई डॉक्टरी कोई कार्रवाई नहीं, हमारे पास हमारा बेटा भी लग रही आया है। जे प्रशासन अपना यहाँ बहुत ही जमीन ने खोद के आसमान ने चीर के ना कातिल ने ढूंढ ले, लेकिन एक तक इनके पास मुंह नहीं होया उसका लाश मुंह ऐसी क्या चीज है जो पुलिस ढूंढ सकती है? अगर पुलिस जाए ना तो 5 घंटे में भी कार्रवाई कर सकती है। धरना कब तक चलेगा? धरना कब तक होगा? हमारी कार्रवाई नहीं होगी, हमारी सुनाई नहीं होगी, इतना कोई धरना नहीं उठेगा। क्या मांग ला आपकी प्रशासन से? हमारी मांग मैं अभी तो बताई थी। अभी DSP साहब आए थे, वे एक बंदे को पकड़े हैं, वो बंदा किसी काम का नहीं है। सहमत नहीं उस पर एक बंदे की गिरफ्तारी से? किसी किस्म का उसको किसी चीज में पूछते नहीं।